प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ देखिए, द बैलेंस वर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम साउंड एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल प्रिपेयर कर दिए, ठीक है, एक्सेप्ट सिक्स नहीं करे, सिक्स मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें प्रॉफिट लेके आके यहाँ पर ट्रांसफ़र करना रहेगा, ठीक है, तो जो भी आएगा उसका प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र करना, तो वो नहीं करे भी। फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2004 के, यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर ए रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2004 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2004, ठीक है, शेड्यूल दे दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनाना है अपने को, प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट बनाना है और साथ में साथ बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 2004 की। ये लाइन से अपने को इन्फॉर्मेशन दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये शेड्यूल किस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि रेवेन्यू अकाउंट में आते हैं। फिफ्थ सिक्स सेवन किस में आते हैं, सेवन एट तक, और फिफ्थ सिक्स सेवन तक किस में आएंगे अपने को, सिक्स तो नहीं दिया क्योंकि अपने को बनाना है, फिफ्थ सिक्स सेवन बैलेंस शीट में आते हैं लाइबिलिटी में, एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व कहाँ तक आएंगे, असेट्स में आएंगे, थर्टीन करंट लाइबिलिटीज माइनस करना, ठीक है, फोर्टीन बना सकते हैं नहीं भी उसको ही चलता, करंट लाइबिलिटीज में मिला के डाल देना। ओके फर्स्ट देखो, लेट्स स्टार्ट, यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ओके नाउ सी, फर्स्ट रेवेन्यू अकाउंट ऑफ अश्योरेंस कंपनी 31 मार्च 2004 की इंफॉर्मेशन क्या दिया अपने को, प्रीमियम शेड्यूल नंबर, प्रीमियम आन, ओके प्रीमियम आन कितना दिया अपने को, 2,50,000। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स किस में आएगा, यहाँ पर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में कितना है, 80,000। ओके फिर उसके बाद फाइन एंड फीस, फाइन्स हाउ मच, फाइन्स 2,000, ठीक है, फिर कमीशन ऑन एक्सपेंस, कमीशंस शेड्यूल नंबर टू कितना है, कमीशन 20,000, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, 80,000। ओके नेक्स्ट शेड्यूल नंबर फोर बेनिफिट्स कितना दिया, 1,52,000, ठीक है, शेड्यूल फोर अलग भी कर सकते हैं, ऐड करके भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फिफ्थ दिया तो डायरेक्ट देखिए, पहले इसमें इंटर कर लेंगे, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। फिफ्थ मतलब सोर्स ऑफ फंड, बैलेंस शीट एज बैलेंस शीट ऑफ साउंड एश्योरेंस कंपनी 31 मार्च 2004, सोर्स ऑफ फंड मीन्स लाइबिलिटी, कैपिटल रिजर्व एंड बोरिंग्स ये चीज़ आते हैं लाइबिलिटीज में, ठीक है, और जो एसेट्स में आएंगे वो क्या रहेंगे, अप्लीकेशन ऑफ फंड बोलेंगे एसेट्स को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लोन्स फिक्स एसेट करंट एसेट एडवांस, ओके ये लोग का यहाँ पर टोटल करना, वो टोटल में से क्या करते, करंट लाइबिलिटीज को माइनस करो तो आंसर आता। फिफ्थ दिया क्वेश्चन है, ठीक है, फिफ्थ का आंसर कितना है, 50,000, ठीक है, सिक्स अपने को प्रिपेयर करो बोले, सेवन का आंसर कितना है, 18,000, ठीक है, एट मींस इन्वेस्टमेंट, एट का आंसर कितना दे रहा, 30,000, ठीक है, नाइन का कितना है, 70,000, नाइन मींस लोन्स, टेन फिक्स एसेट्स, टेन का कितना है, 1,41,000, ठीक है, अलेवन कितना है, 60,000, ट्वेल्व कितना है, 20,000, ओके ओवरऑल करना, फिर करंट लाइबिलिटीज कितना दिया उसमें, 13, 14 एक साथ ऐड करके डालो, 13 कितना है, 15,000, 14 कितना है, 5,000, टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 20,000, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज। अब इसको टोटल करो, फर्स्ट ये करेंगे इनकम, इनकम कितना है देखिए, ये है 2,50,000 और ये है 1,00,000, ओवरऑल कितना हो गया, 3,50,000, ओके इन तीनों को ऐड करो, ये 1,00,000, ये 2,52,000, ओके इसमें से उसको माइनस कर दो, ओके थ्री में से टू गया तो 1,00,000 बचा, 50,000, 98,000 बचता अपने को, कितना आ रहा प्रॉफिट,
98,000। ओके, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है अपने को, 98,000। अब वो 98,000 रिजर्व एंड सरप्लस में डालना, जो भी प्रॉफिट है रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं ना, तो यहाँ रिजर्व में कितना है वो 98,000। रिजर्व एक्स्ट्रा आपने को दिया भी नहीं कुछ, अब टैली करो उसको। 98,000 आ रहा, 30,000 कितना, ठीक है, प्रॉफिट 98,000 है रिजर्व एंड सरप्लस में, साथ में साथ लाइफ एश्योरेंस फंड भी दिया 1,53,000। ठीक है, तो लाइफ एश्योरेंस फंड यहाँ पर अंदर करके डाल सकते हैं आप रिजर्व फंड में, 98,000 प्लस 1,53,000। ओके, ओवरऑल कितना हो गया देखिए, 98 प्लस ओके, इसमें से 2 डाल दो आप, 1 लाख होता ये, 1,01,000 और 2,51,000, ओवरऑल कितना हो गया, 2,51,000, 2,51,000। 90,000 आया, और एक बोरिंग से 18 क्या है अपने को, शेयर कैपिटल के बाद बोरिंग से शेड्यूल नंबर 80,000 वो, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, 3 लाख ये 80 है, 250 में से 80 ऐड करिए, 82 है, 82 है ये, 82,000 कितना आ रहा है ये, 82,000, तो ये 3,32,000 है। ओके, तो 3,32,000 में से 252 माइनस करो, ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1 लाख बचा, 1 लाख ओके, 130 में 50 गया तो 80 बचा, ये 2 में से 2 गया तो 0 हो जाता, तो ये टोटल कितना आ रहा अपने को, 80,000, कितना प्रॉफिट है, 80,000 इज़ अ प्रॉफिट। ठीक है, तो काम करो, यहाँ पर 80,000 प्रॉफिट है, ये 80,000 प्लस 1,53,000, ओके, तो 80,000 प्लस 1,53,000 कितना हो गया, 2,31,000, 80 है ना सर, 2,33,000, 2,33,000, ओके, अब देखिए ये 2 लाख है, 30 में 50 ऐड कर तो 80 हो गया, 80 में आप 10 ऐड करो 90 हो गया, 90 में फिर ये ऐड करो 98 और यहाँ से 300, तो टोटल कितना हो गया, ये 3,01,000 हो गया, कितना हुआ, 3,01,000। नेक्स्ट, ये आंसर कितना है, 3 लाख, 30 और 70 1 लाख हो गया, ये 2 लाख हो गया, दोनों को ऐड करें 3,20,000 और ये 3,21,000, इसमें से 20,000 करंट लाइबिलिटीज माइनस करो, कितना हो गया, 3,01,000, ओके, 3,01,000, दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है।